हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडी क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। फ्रेंड्स, चैप्टर 10 में मैक्सिमम आपसे न्यूमेरिकल्स पूछी जाती हैं, जिनके लिए आपको रे डायग्राम की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फॉलोइंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम द पोल ऑफ अ कंकेव मिरर एंड द फोकल लेंथ 15। इट मीन्स फोकल लेंथ 15 है आपके मिरर की और ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो F और P के बीच में होगा। फाइंड द डिपोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। आपको दे रखा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ दे रखी है 15। नेगेटिव हमने इसलिए लिया क्योंकि ये कंकेव मिरर है और कंकेव मिरर की डिस्टेंस हम हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ मेजर करते हैं पोर से, इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/F = 1/V = 1/F - 1/U, इससे हमने V की वैल्यू निकाल ली जो कि पोजीशन ऑफ द इमेज है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। नाउ साइज ऑफ द इमेज, तो हम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि H'F = -V/U होता है। H' आपका हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H होता है, तो इससे हमें पता लगा कि साइज ऑफ द इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लास्ट नेचर, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड P। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका F और P के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि इसकी फोकस दूरी कितनी है 15, यानी कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आपको पता है फोकस से जाती है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है वो सेंटर कर्वेचर पर ही लौट आती है। जब इन दोनों को हम पीछे मिलाते हैं तो इसकी इमेज हमें वर्चुअल मिलती है जो कि मैग्निफाई होती है। हियर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F एंड P एंड द कंकेव मिरर, सो द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम X विद रेस्पेक्ट टू मीडियम Y इज 2/3 एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विद रेस्पेक्ट टू मीडियम Z इज 4/3। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z with respect to medium X. If the speed of light in medium X is 3×10⁸ meter per second, calculate the speed of light in medium Y. The reflective index of medium X with respect to Y is 2/3 given and the reflective index, it is denoted by mu. Reflective index of medium Y with respect to Z is 4/3. So the reflective index of medium Z with respect to medium X is equal to 1/ reflective index of medium X with respect to Y and into reflective index of medium Y with respect to Z, which is 2/3 and 4/3. So the reflective index of medium Z with respect to X is 9/8. Speed of light in medium Y, which is V, equal to C into reflective index of medium X with respect to Y, which is 2/3. And it is given the speed of light is 3×10⁸ meter per second. So the answer is the speed of light in medium Y is 2×10⁸ meter per second. Students, our next numerical is an object is placed at the distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. Use lens formula to find the distance of the image from the lens. It is given the position of the object is on the 60 centimeter and the focal length is 30 centimeter. Both are in negative because it is a concave lens. By using lens formula, 1/V = 1/U = 1/F. 1/V = 1/F + 1/U. 1/U को इधर ले आए, हमने इसकी वैल्यूज लगाई तो V की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। इट मीन्स द पोजीशन ऑफ द इमेज इज -20 सेंटीमीटर।
Nature of the image is virtual. Position of the image is between F and O. Size of the image is diminished, means small size, and the image is erect. Students, our next important question is question number 4. If the image formed by a spherical mirror for all position of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? Draw Laplace diagram to support your answer. It is convex mirror. Because convex mirror हमेशा object की erect और diminished image बनाता है, चाहे object की position कोई भी हो. अगर object हमारा infinity पर है, तो जो parallel rays, light rays निकलती हैं उसमें, वो reflection के बाद divert होती हैं. लेकिन वो कहाँ से divert होती हुई appear होती है? Focus से. यानी कि इसकी image focus पर बनती है, diminished size की बनती है. इसी तरह अगर object हमारा mirror के सामने रखा है, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से जाती हुई अपीयर होती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है की तरफ आती है उसी से वापस जाती हुई अपीयर होती है, और जहां पर ये दोनों क्रॉस करती है वहां पर डिमिस्ड साइज की इमेज बनती है. इसी टाइप का क्वेश्चन लेंस पर आया है 2017-18 में ही. क्वेश्चन नंबर 5. इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस फॉर ऑल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑन इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिस्ड, What is the nature of this lens? Draw ray diagram. It is concave lens. तो जैसा हमारे convex mirror में होता है उसी type से हमारा convex lens में होता है, लेकिन concave mirror, convex mirror में हमारा हमेशा reflection होता है और lens में हमारा हमेशा refraction होता है. यानी कि जो अगर हमारा object infinity पर रखा है तो जो light ray principal axis के parallel आ रही है वो हमें कहां से मतलब डाइवर्ट होती दिखाई देती है, लेकिन कहां से फोकस से होती है, तो इसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पर, डिमिस्ड साइज की. इसी टाइप से अगर ऑब्जेक्ट हमारा उसके सामने रखा है तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ट होती हुई नजर आती है फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है पूरी, और जहां पर ये दोनों क्रॉस करती है वहां ऑब्जेक्ट का डिमिस्ड इमेज बनती है. स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट द एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द रेस्पेक्ट टू लाइट इन वैक्यूम. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर: नंबर 1, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस लाई इन द सेम प्लेन. द सेकेंड, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बियर अ कॉन्स्टेंट रेशियो विद द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. सो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट. द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स SI यूनिट. अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस. पावर ऑफ अ लेंस एंड एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट से रेज पासिंग थ्रू इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर. इट मीन्स P इक्वल टू 1 अपॉन F इन मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. पावर ऑफ फर्स्ट लेंस P1 इक्वल टू 100 बाय F1. F1 इज 40 सेंटीमीटर, सो द पावर इज 2.5 डायोप्टर. इट इज कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस. पावर ऑफ सेकेंड लेंस P2 इज इक्वल टू 100 अपॉन F2 विच इज -20 सेंटीमीटर, एंड इट इज द पावर ऑफ दिस लेंस इज -5 डायोप्टर. इट इज डाइवर्जिंग और कंकेव लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाई इमेज ऑन अ स्क्रीन. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज -20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -3, और वी आपसे पूछा है. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इक्वल टू -V अपॉन यू. उससे V इक्वल टू -M इंटू यू, तो आपकी V की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 40 सेंटीमीटर. एस -V -U, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 40 सेंटीमीटर.
Students, next question is define the radius of curvature of a spherical mirror. Find the nature and focal length of the spherical mirror whose radius of curvature is plus 24 cm. Radius of curvature of a mirror is the distance between the pole and center of curvature of a spherical mirror. We know the formula of focal length equal to radius of curvature divided by 2. So, focal length is equal to 24 by 2, which is 12 cm. Because the focal length is a positive, so it is a convex mirror. Students, our next question is list 4 characteristic features of the image formed by plane mirror. It is NCERT question and very important. The image formed by the plane mirror has the following characteristics. The image formed is virtual and erect. The image is of the same size of as the object. The image is formed as far as behind the mirror as the object is in front of it. The image is laterally inverted. It means the right is converted into left and the left part is converted into right side.